शहर में जलभराव का निरीक्षण करने सड़कों पर उतरे महापौर ने अतिक्रमण कर जल निकासी को बाधित करने वालों पर नाराजगी जताई। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया। शहर का जायजा लेने के बाद एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया, जहां पर पूरे शहर के कनेक्ट हुए नालों से पानी को खींचा जा रहा था। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम की टीम के द्वारा लगातार सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अतिक्रमण करने वाले लोग जलभराव की मुख्य वजह बन रहे हैं। महापौर ने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करते हुए बताया कि तेजी के साथ शहर के पानी को नो पंप लगाकर खींचा जा रहा है और ट्रीटमेंट करके रामगंगा में डाला जा रहा है। तो वहीं परियोजना प्रबंधक सैयद तारिक अली ने बताया कि मुख्यतः प्लांट का निर्माण सीवरेज को कलेक्ट करने के लिए किया गया है, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से जल का भराव हो रहा है, जिसे निकालने के लिए प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है और नो पंप चलाकर शहर के पानी को खींचा जा रहा है। पहली बारिश मतलब लगातार हो रही है, चार दिन से महाराज जी रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। आज महानगर में जगह जगह अतिक्रमण के बावजूद नगर निगम ने बहुत हमारे लोगों ने बहुत तेज़ी से नालों की सफाई कराई और हजारों टन सिल्ट और कचरा इकट्ठा करा। और आज आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा एसटीपी प्लांट है, इस पे आज हमने तेज़ी से पूरे जो महानगर के नाले जो कनेक्ट हुए हुए हैं उन सबको हमने आज तेज़ी से उसका पानी खींचा। नो पंप यहाँ पर चल रहे हैं और ये जितना पानी आप देख रहे हैं ये आज का बरसा हुआ पानी है और ये जल्द ही अब इसको हम ट्रीटमेंट करके इसको हम नदी में फेंक देंगे। परंतु आज ये जो बरसा है ये अमृत है, इसको हमें संचय करना चाहिए। भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना चाहिए, ताकि जो बरसात का पानी है वो सीधा ज़मीन में चला जाए। जब वो अगर पानी ज़मीन में चला जाएगा तो सड़कों पर बहेगा ही नहीं, सड़कों पर बहेगा तो नालों में आएगा, नालों में आएगा तो ये नदी में चला जाएगा। कल जब हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी की ज़रूरत होगी, जल की ज़रूरत होगी, तब ये जल नहीं हाथ आएगा। ये जल को संचय करिए, अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए। ठीक है बिना लक्ष्य के आप मकान बनाए हुए हो, पर वाटर हार्वेस्टिंग जरूर बनाइए, ताकि जितना भगवान ने पानी दिया है उस पानी को तो संचय कर लो, बस यही कहना है। धन्यवाद। यहाँ प्रतिदिन लगभग 28 MLD पानी शोधित हो रहा है डेली, जो कि यहाँ से शोधन होने के बाद रामगंगा नदी में जाता है। रामगंगा नदी में स्वच्छ पानी चला जाता है, जिससे में ज़्यादातर यहाँ पे इम्प्योरिटीज उसकी रिमूव कर दी जाती है। अधिकतर पानी तो आज भी हमने अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के पंप चला के ले लिया है, यहाँ पे जितना हम ले सकते थे। काफ़ी आपको पता ही है 28 MLD पानी की मात्रा भी आपको बताई थी, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो पूरा यहाँ पे शोधन हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है। जितना मैक्सिमम ले सकते थे उतना लिया जा रहा है नालों के माध्यम से। अच्छा, सब इसमें जो अहम एक भागीदारी रहती है वो कहीं ना कहीं जो सीवर लाइन है उसको यूज करते हुए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, हम नालों में से सीवर में लेते हैं, सीवर से एसटीपी पानी आ जाता है, यहाँ पर उसका शोधन होता है, उसके बाद यहाँ चला जाता है पानी नदी में साफ होने के बाद। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसका और भी ज्यादा फायदा। बिल्कुल, ये अभी तो 28 MLD पर चल रहा है, इसकी टोटल कैपेसिटी 58 MLD है। अभी हम 10,000 घर और जोड़े हैं हमने, 50,000 घर हम अभी और जोड़ने जा रहे हैं, जिसका टेंडर निकला हुआ है। ये प्रक्रिया अगले 10 से 12 महीने में पूरी हो जाएगी घर जुड़ने की, तो उसके बाद ये 58 MLD पे पूरे ही चलेगा। तो फिर आसानी से फिर जल भराव की जो समस्या है, जल भराव की समस्या और मेन तो ये सीवर के लिए, सीवर की समस्या आपकी, सीवेज की समस्या बहुत ज़्यादा हल हो जाएगी, उन्हें लोगों को नहीं पता। हाँ, उन्हें लोगों को परेशानी नहीं होगी। जल भराव के लिए नगर निगम के नाले भी होते हैं, जो एक्सेस पानी उसमें चलेगा, जिनको सफाई रखेगा नगर निगम, तो पानी निकलता रहेगा।